हेलो बच्चों, आज आयनिक इक्विलिब्रियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम आपसे डिस्कस करेंगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में शायद आप फॉर्मूले रटते हो, पीएच के फॉर्मूले, हाफ ब्रैकेट में पी के डब्ल्यू पी के माइनस पी के सी प्लस लॉग सी माइनस लॉग सी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एग्जैक्ट कंसेप्ट है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, किसी भी चीज को अगर कंसेप्ट से पकड़ लो तो वो चीज आसान हो जाती है। तो मेरा नाम अलख पांडे, हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला, और आज मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का टॉपिक जीरो से लेके हीरो तक लेके जाऊंगा। सबसे पहले जानना जरूरी है बच्चों कि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है। अपन ना टॉपिक का नाम ही नहीं समझे, अपन ने सीधा फॉर्मूला रटना स्टार्ट कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया, बैठ गए फॉर्मूला रट लिए। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है क्या? सॉल्ट के आयंस का हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के आयंस H प्लस या OH माइनस के साथ कॉम्बिनेशन हो जाना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहलाता है। क्या बोल रहा हूं? सॉल्ट के आयंस शुड कंबाइन विथ या तो H प्लस और OH माइनस आयंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस वाटर से रिएक्शन, सॉल्ट के आयंस या तो H प्लस से या तो OH माइनस से कंबाइन कर ले, उसको हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। दोनों से कर ले तो वो भी सही है। बेसिक डेफिनेशन याद रहेगी, सॉल्ट के आयंस या तो H प्लस से या तो OH माइनस से कंबाइन कर ले, या दोनों आयंस दोनों से कंबाइन कर ले। एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा सॉल्ट के अंदर। तो यह सॉल्ट किससे बनता है यार? कैटायन से, और किससे? एनायन से। तो एनायन नेगेटिव वाला H प्लस से कंबाइन करेगा, कैटायन पॉजिटिव वाला OH माइनस से। या तो कोई एक कंबाइन करे या तो दोनों कंबाइन करें, तब हम कहते हैं सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर हमें चार तरह के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। फोर टाइप्स ऑफ सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। क्या है चार तरह के सॉल्ट? भैया सॉल्ट कैसे बनता है ये बताओ। सॉल्ट बनता है बाय अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। तो चार कैटेगरी हो सकती है। पहली हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो और हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो, ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। दूसरा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हो। और चौथा वीक एसिड और वीक बेस से बना हो। ये चार परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, इट शोज नो हाइड्रोलिसिस। नोट करेंगे, इट शोज नो हाइड्रोलिसिस। अभी बताऊंगा क्यों नहीं, कैसे नहीं, पहले नोट करो। नो हाइड्रोलिसिस मतलब इसकी पढ़ाई तो नहीं करनी है, बच गए। बाकी तीनों शो करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब समझ गए, सॉल्ट के आयंस या तो H प्लस से या OH माइनस से कंबाइन कर जाए। तो ये तो कंबाइन नहीं करते, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट शोज नो हाइड्रोलिसिस, और ये हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। जितना ज्यादा वीक कंपोनेंट होगा उतना ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा। नोट कर लो ये बात, जितना ज्यादा वीक कंपोनेंट होगा उतना ज्यादा सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा। तो देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के पास कोई वीक कंपोनेंट नहीं तो हाइड्रोलिसिस नहीं। सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस इसका होगा जो वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं, शायद बातें आपको ये सब भी कंफ्यूज करने लगी। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट सॉल्ट दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। सवाल है कि हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होता? सर समझ में आएगा तभी तो मजा आएगा। एक सॉल्ट ले लो जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH। ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग। एसिड कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं अपने? HCl, H2SO4, है ना, HNO3, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक कौन से होते हैं अपने? HCN, H2CO3।
ऑर्गेनिक के सारे एसिड H2S, HF, नोट करना हो नोट कर लो, वीक एसिड अपने HCN, कार्बोनिक एसिड H2S, HF और ऑर्गेनिक के एसिड। बेस कौन से स्ट्रांग होते हैं, जो ग्रुप वन के बेस हो या ग्रुप टू के, ग्रुप वन से KOH, NaOH, ग्रुप टू से MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ग्रुप वन या ग्रुप टू पीरियोडिक टेबल से जितने भी बेस बनेंगे स्ट्रांग। चलो तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन हुआ, सॉल्ट बनेगा NaCl, सही है, स्ट्रॉन्ग बेस से स्ट्रॉन्ग एसिड से। अब हाइड्रोलिसिस मतलब इसका रिएक्शन कराया मैंने वाटर के साथ, NaCl प्लस H2O। कौन कौन से आयंस होंगे सॉल्यूशन में, Na प्लस के आयंस होंगे, Cl माइनस के आयंस होंगे, H प्लस के आयंस होंगे, OH माइनस के आयंस होंगे, ये आयंस होंगे सॉल्यूशन के अंदर, Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस, OH माइनस। अब चलो ये कैटायन है, ये किससे कंबाइन करना चाहेगा, OH से, तो Na ने कोशिश की कि OH से कंबाइन करें, क्या बनाया, NaOH। क्या सच में ये NaOH बना पाएगा या ऐसा सिर्फ लग रहा है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब इसकी टेंडेंसी होगी टू फर्निश OH माइनस आयन, यानी ये रिएक्शन इस तरफ तो हो ही नहीं रहा होगा, असल में ये रिएक्शन तो बैकवर्ड जा रहा होगा, ये रिएक्शन 99% इधर जा रहा होगा, सिर्फ 1% इधर, स्ट्रॉन्ग बेस है डिसोसिएट कर जाएगा, मतलब असल में Na प्लस OH माइनस से कंबाइन नहीं करेगा, असल में ये रिएक्शन होगा ही नहीं इतना कम, मतलब Na प्लस का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नो हाइड्रोलिसिस। क्या ये OH माइनस से कंबाइन कर पाया, ना के बराबर, पूरा NaOH वापस डिसोसिएट करके OH माइनस और Na प्लस बन गया, नो हाइड्रोलिसिस। Cl माइनस की बात करते हैं, कंबाइन करना चाहेगा H प्लस से, बनाएगा HCl। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या टेंडेंसी होती है, टू फर्निश H प्लस आयन, भाई साहब ये रिएक्शन इधर रुकेगा ही नहीं, ये तो इधर चलेगा, ये तुरंत क्या बनाएगा, H प्लस और Cl माइनस, ये आगे वाला रिएक्शन 1%, पीछे वाला 99%, मतलब Cl माइनस H प्लस से कंबाइन करेगा ही नहीं, जैसे ही करेगा HCl बन के वापस इधर आएगा रिएक्शन, मतलब Cl माइनस शोज नो हाइड्रोलिसिस, समझ गए, इस सॉल्ट का कोई भी कंपोनेंट हाइड्रोलिसिस नहीं कर पा रहा, कैटायन OH से कंबाइन नहीं करता, एनायन H प्लस से कंबाइन नहीं करता, कंबाइन करने पे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बनता है जो वापस डिसोसिएट, दैट्स व्हाई सच सॉल्ट शो नो हाइड्रोलिसिस, क्लियर 100%। अगर किसी सॉल्ट के दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है इट विल शो नो हाइड्रोलिसिस एट ऑल, नो हाइड्रोलिसिस एट ऑल, नोट कर लें, फिर इसको रब करते हैं, फिर सेकेंड सॉल्ट पे चलते हैं, हमें चार सॉल्ट डील करने हैं, डन, नोट कर लिया, चलिए सेकेंड तरह के सॉल्ट पे चलते हैं, तीन चार रूल बताऊंगा याद कर लोगे, फिर इसके बाद जेई के सवाल कराऊंगा, बहुत इजीली हो जाएंगे जितने भी आए हुए हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं सॉल्ट ऑफ, मैं पूरा मिटा दूंगा बिकॉज वी विल नीड स्पेस। नेक्स्ट ले लेते हैं सॉल्ट ऑफ सेकेंड टाइप सॉल्ट, किसका ले लें बोलो, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ये हाइड्रोलिसिस शो करते हैं, कोई भी एक कंपोनेंट वीक होगा तो हाइड्रोलिसिस होने लगेगा। देखो वीक एसिड कोई भी उठा लो जो तुम्हें अच्छा लगे, कोई भी वीक एसिड उठा लो, कोई भी वीक एसिड बोलो, H2CO3, CH3COH, CH3COH बहुत सुनते हैं, HCOH ले ले, फॉर्मिक एसिड सुन रखा है, वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस में फिर से NaOH ले लिया, एसिड बेस का रिएक्शन, यहां से निकलेगा H प्लस, यहां से निकला OH माइनस, HCOONa सॉल्ट बन गया, ये सॉल्ट किससे बना है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, इसका रिएक्शन वाटर से कराएंगे, HCOONa प्लस H2O। चलो सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस होंगे, HCOO माइनस प्लस H प्लस, सॉरी HCOO माइनस, और सॉल्ट से और क्या निकलेगा, Na प्लस, वाटर से क्या क्या निकलेगा, H प्लस और OH माइनस। इस सॉल्ट के अंदर कैटायन ये है, किससे कंबाइन करना चाहेगा, OH माइनस से, सो Na कंबाइंस विद OH माइनस, आपको पता है ये रिएक्शन नहीं होता, अभी अभी आपने देखा एक्चुअल में रिएक्शन वापस आ जाएगा 99%, ये 1% शोज नो हाइड्रोलिसिस, तेज तो नहीं हो रहा, मतलब ये कंपोनेंट तो हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट करता भी नहीं, वीक कंपोनेंट करता है।
आओ अगला कंपोनेंट CO- शायद H+ से रिएक्ट करे. व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? रिएक्शन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट विथ H+ और OH-. कॉम्बिनेशन इनका H+ या OH- से कॉम्बिनेशन. तो HCOO- plus H+ will give HCOOH. कैसा एसिड है? वीक एसिड. क्या वीक एसिड डिसोसिएट करके H+ बनाना चाहेगा? बहुत कम बनाना चाहेगा. इस बार पीछे वाला रिएक्शन मैक्सिमम 5%, आगे वाला रिएक्शन 95%. यानी HCOO- H+ से कंबाइन करेगा और HCOOH बनाएगा. पीछे रिएक्शन बहुत कम हो रहा, यानी इट शोज हाइड्रोलिसिस. जो कमजोर पार्ट होता है सॉल्ट का, जो कमजोर पार्ट होता है वो हाइड्रोलिसिस करता है. क्लियर? क्या ये हाइड्रोलिसिस शो करेगा? द आंसर इज यस. क्या Na+ शो करेगा? द आंसर इज नो. कौन शो करेगा? HCOO-. नोट करें, कंसेप्ट बता रहा हूं, फॉर्मूले बता के तो मैं खटाखट क्वेश्चन करा दूं. चलो भाई, इतना आपको समझ में आ गया कि वीक पार्ट कंबाइन करता है. अब मैं लिखने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस. दोनों में से कौन वाटर से रिएक्ट कर रहा? ये. सो HC, यहां पे देखो, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये आपको आना चाहिए हर हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में. इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखना. HCOO- रिएक्ट्स विथ H2O. इसमें से ये क्या खींच लेगा? H+. HCOOH सॉल्यूशन में क्या बचेगा? OH-. दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस. आप पूछोगे Na+ क्या है? Na+ स्पेक्टेटर आयन है, खड़े खड़े तमाशा देख रहा. क्या इसमें से Na+ रिलीज होगा? बिल्कुल होगा. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट. यस यस, कंसेप्ट सही करो. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट. सॉल्ट का एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो तो वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है और आयंस में जरूर टूटता है. सॉल्ट का एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो तो वो जरूर आयंस में टूटता है. तो डेफिनेटली ये आयंस में तो टूटेगा, पर ये OH- से कंबाइन नहीं करेगा. ये कंबाइन करेगा H+ से OH- आयंस एज सच, Na+ आयन एज सच. अब पूरा सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? एसिडिक या बेसिक? बताओ, सॉल्यूशन में H+ आयन बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे, ये कंबाइन कर लेगा. सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? OH- के होने की वजह से सॉल्यूशन विल बी बेसिक. और ये बात आप पहली लाइन से भी जज कर सकते थे. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? बेसिक. ये वीक एसिड से बना है स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्यूशन तो बेसिक. और ये बात यहां एविडेंट है, सॉल्यूशन में OH- के आयन बचे हैं, H+ के चले गए. दिस सॉल्यूशन विल बी बेसिक. और ऐसे सॉल्ट्स का पीएच डेफिनेटली ग्रेटर देन 7 आएगा. बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? फील आ रही ना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की? बहुत इजी है, अच्छे से पढ़ना था बस. क्लियर? अब मैं फिर से इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस लिख के आपको कुछ कैलकुलेशन सिखाना चाहूंगा, पीएच निकालने के तरीके. एक पूरा मेथड है, सीख जाओगे. तो मैं फिर से लिखता हूं इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस. और मेरे लिखने से पहले आप खुद अपने नोट्स में, नोट्स पेन लेके बैठे होंगे आप डेफिनेटली मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो खुद से लिखें. कौन रिएक्ट करेगा? HCOO- किससे? वाटर से रिएक्शन होना चाहिए. क्या बनेगा? HCOOH. और क्या बनेगा? OH-. इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस. इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ये रिएक्शन थोड़ा सा पीछे आ रहा है ना, 5% तो आ रहा. इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. जैसे एसिड टूटता था तो हम बोलते थे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. बेस टूटता था बेस के लिए. इस तरह से सॉल्ट जब वाटर से रिएक्ट करता है तो हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट. ठीक है, KH. यहां से बताओ KH की वैल्यू क्या होगी? यहां साइड में लिख रहा हूं KH की वैल्यू. बोलो, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट, HCOOH into OH- अपॉन
HCOO माइनस, सबको पता होगा वाटर की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में नहीं लिखी, ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किस रिएक्शन का, हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन का, इस इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH, क्लियर। प्रॉब्लम यह है कि हमें KH की वैल्यू पता नहीं होती, तो हम क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, हमारा देखो मेन जो मोटिव है वो है पीएच निकालना, आपको पता है इस रिएक्शन में कहीं H+ नहीं है तो पीएच की जगह पीओएच निकालोगे, तरीका याद है, पहले पीओएच निकाल लो फिर पीएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पीओएच, ये तरीका पता होगा ना, क्योंकि पीएच और पीओएच मिलके 14 बनते हैं, तो हम पीओएच निकालेंगे, पीओएच के लिए इसका कंसेंट्रेशन चाहिएगा, उसके लिए ये चाहिए होगा। मैं एक काम करूंगा, इस सॉल्ट का जो वीक कॉम्पोनेंट है उसकी डिसोसिएशन की इक्वेशन लिखूंगा, वीक कंपोनेंट कौन है, एसिड, मैं एसिड की डिसोसिएशन की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, एच सी ओ ओ एच, वीक कंपोनेंट की लिखनी है, डिसोसिएट्स टू गिव एच सी ओ ओ माइनस प्लस एच प्लस, समझना क्यों लिख रहे हैं, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम के ए बोलेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज इक्वल्स टू एच सी ओ ओ माइनस into H plus divided by HCOOH, clear? मैं KH निकालना चाहता हूं इसलिए सब किया मैंने, clear? जरा एक चीज देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं KH को KA से multiply करो तो क्या आएगा, सोचो KH को KA से multiply करें तो क्या आएगा, be with me, KH को KA से multiply करें तो क्या आएगा, इसको इसको multiply किया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, OH माइनस इंटू एच प्लस, क्या बचा, OH माइनस इंटू एच प्लस, पहचान रहे हो इसको, क्या ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW बनेगा, बिल्कुल, सो KH इंटू KA इज इक्वल्स टू KW, KH इंटू KA इज इक्वल्स टू KW, मेरी बात सुनो, जो भी कंपोनेंट वीक होगा उसका KH से मल्टीप्लाई करोगे तो KW आएगा, जैसे जब हम वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो KH इंटू वीक बेस, KB इज इक्वल्स टू KW, मान लो दोनों वीक हैं, वीक एसिड वीक बेस, दोनों वीक हैं, वीक एसिड वीक बेस, तो यहां पे दोनों आ जाएगा, KH इंटू KA इंटू KB इज इक्वल टू KW, याद रखने की टेक्निक याद रखो, वीक वाला हर जगह आ रहा है, KH इंटू जो वीक है इज इक्वल टू KW, इससे आपको KH की वैल्यू मिलने वाली है, यहां से KH की वैल्यू हो जाएगी, दिख रहा है बोर्ड का ये पार्ट, KW बटे KA, KW हमको नोन होता है 10^-14 25 डिग्री सेल्सियस पे, और KA क्वेश्चन में दिया होता है, एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट हमको मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल्स में दिया होता है, दिख रहा है थोड़ा सा कटा है पर दिख रहा है, KH इज इक्वल्स टू KW बटे KA, क्लियर 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 क्लियर। अब बात है पीएच निकालने के लिए, उसके लिए पीओएच निकालना है, ओएच माइनस का कंसेंट्रेशन चाहिए, मान लेते हैं जो सॉल्ट हमको दिया था उसका कंसेंट्रेशन सी है, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन सी है, 1 मोलर 0.1 मोलर 0.2 मोलर जो भी है, ये सॉल्ट कितना डिसोसिएट करेगा, 100% स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, इसमें से कितने मोल HCO- बनेंगे, सी मोल्स, भाई ये सी है, इसमें से HCO- Na+ कंप्लीटली निकलेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये सी बनेगा, वाटर की कंसेंट्रेशन तो छोड़ो यार कांस्टेंट रहनी है, ये कितना है शुरू में, जीरो, ये कितना है शुरू में, जीरो, शुरू में तो ये है ना अपने पास, वो दोनों तो जीरो जीरो है, कुछ नहीं है, अभी बने ही नहीं, ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, एकदम इनिशियल बात कर रहे हैं, एकदम इनिशियली अभी आयंस टूटे हैं, T इज इक्वल टू जीरो, Na प्लस के आयंस हैं उनसे हमें मतलब नहीं, वो तो खड़े हैं, वो शुरू में भी जितने हैं बाद में भी उतने रहेंगे, ये चेंज होने वाले हैं, ये रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाला है, हम सोचते हैं हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे इसमें से कुछ मोल चले जाएंगे, हम क्या लिखते थे याद है, सी माइनस सी अल्फा, यहां पे थोड़ी सी कहानी चेंज होगी, सी माइनस सी अल्फा वाली थोड़ी सी चेंज होगी, ये सब समझ में आ रहा है, एट इक्विलिब्रियम थोड़ी सी कहानी चेंज होगी, यहां पे सॉल्ट का जैसे एसिड का क्या होता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अल्फा क्या बताता था याद करो, कि एक मोल में से
है ना, हाउ मेनी मोल्स डिसोसिएट, हाउ मेनी मोल्स डिसोसिएट, एक मोल में से कितने मोल निकल गए, उसको हम बोलते थे अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सॉल्ट्स के लिए एक नया टर्म आता है अल्फा का ही इक्विवेलेंट, स्मॉल एच, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, सेम है एच, डिग्री ऑफ हाउ, एक मोल में से हाउ मेनी मोल्स हाइड्रोलाइज, सेम, एक में से कितने मोल हाइड्रोलाइज हुए, एक में से 0.5 मोल हाइड्रोलाइज हुआ, 0.2 हाइड्रोलाइज हुआ, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। यहां पे इसके कितने मोल हैं, सी, मान लो एक में से एच हाइड्रोलाइज हो रहे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच, मान लो एक में से एच हाइड्रोलाइज हुए तो दो में से कितने होंगे, दो एच, तीन में से तीन एच, तो सी में से कितने होंगे, सी एच, तो यहां बचेंगे कितने, सी माइनस सी एच, क्लियर, जैसे वहां सी माइनस सी अल्फा, एक में से एच मोल हाइड्रोलाइज हुए, दो में से दो एच हुए, सी में से सी एच रिएक्ट कर गए, बचे कितने, सी माइनस सी एच, इनको छोड़ो, इनकी कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट यहां आओ, अगर इसका एक मोल खत्म होता तो इसका एक मोल बनता, देखो 1:1 लिखा है, यहां वन है, यहां वन है, एक से एक बनता, दो खत्म होते तो दो बनते, कितने खत्म हुए ये, सी एच, तो ये बनेंगे सी एच, ये बनेंगे सी एच, ये कंसेप्ट समझ में आया, इसी में हम सी अल्फा, सी अल्फा की कहानी खेल रहे थे एसिड बेस में, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में एच से खेलेंगे, जैसे वहां एक मोल में से अल्फा मोल निकलते थे, यहां एक मोल में से एच मोल हाइड्रोलाइज करते हैं, एक में से एच तो सी में से सी एच, कंसेप्ट होना चाहिए, ये सी कैसे आया, क्योंकि ये सी था, पूरा पूरा डिसोसिएट किया, सी में से सी एच गए, एक से एक बनता, सी एच से सी एच सी एच, अब OH- माइनस की कंसेंट्रेशन आपको दिख रही है, दैट इज सी एच दिख रही है, ओके, अब मैं ये सब मिटा लूं, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, ओके मैं मिटा रहा हूं, ओके ओके ओके, मुझे OH- माइनस की कंसेंट्रेशन मिल गई, OH- माइनस की कंसेंट्रेशन है सी एच, क्या मुझको OH- माइनस की कंसेंट्रेशन चाहिए, नहीं, मुझको H+ की चाहिए, अच्छा एक बार बताओ H+ इंटू ओ एच माइनस किसके इक्वल होता है, KW, यहां से H+ की कंसेंट्रेशन निकाल लो, H+ इज इक्वल टू KW अपॉन सी एच, सो इजी, खत्म सवाल, बस pH निकल गया यार, सवाल में KW आपको पता ही, 10^-14, C आपको दे रखेगा सॉल्ट की कंसेंट्रेशन, और H H H H H H H अभी हमको निकालना पड़ेगा, खैर H प्लस की कंसेंट्रेशन ये हुई KW बाई सी एच, अब हमको H भी निकालना है, ओके 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 ओके, ये मिटा दूं, ओके ओके कोई बात नहीं, यहां पे आओ, इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, KH इज इक्वल्स टू इसकी कंसेंट्रेशन, इसकी कंसेंट्रेशन अपॉन इसकी, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, लंबा मेथड, आई नो दिस, बाद में मैं फॉर्मूला बना के समराइज कर दूंगा, पर अगर आपको जानना है मेथड तो यही तरीका है, इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट, यानी CH इनटू CH अपॉन C माइनस CH, देखा हुआ लग रहा है, C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, यहां से क्या होगा, C कॉमन होगा, C से C कैंसिल होगा, KH इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, C कॉमन होगा ऊपर नीचे एक C कैंसिल होगा, फिर आपको पता है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो एच होता है दैट इज मच मच लेस देन वन, जैसे अल्फा मच मच लेस देन वन, वैसे ही एच मच मच लेस देन वन, तो वन माइनस एच करीब करीब कितना हो जाएगा, वन, एच वन से बहुत छोटा होता है, हाइड्रोलाइज बहुत कम होते हैं, वन माइनस एच करीब करीब वन, ये करीब करीब वन, सो इट इज सी एच स्क्वायर, यहां से एच की वैल्यू होगी अंडर रूट के एच बराबर सी, नाउ इट्स ऑल सेट, OH- माइनस की कंसेंट्रेशन मिली, उसको यूज करके H+ की कंसेंट्रेशन निकाली, KW एग्जाम में दिया था, C दिया था, H ये रहा, तो हम लिख सकते हैं H+ की कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू KW अपॉन सी एच, एच इज अंडर रूट के एच बाई सी, अब के एच की वैल्यू क्या थी, ये देखो के एच इंटू वीक इज इक्वल टू KW, तो के एच इज KW बाई के ए, तो KH की जगह
KW by KA into C. बस इसको सॉल्व करना है, H प्लस की कंसेंट्रेशन मिल जानी है. यहां लिख रहा हूं मैं, ओके, सो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी H प्लस की कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये बचेगा रूट सी यहां पे, ऊपर KW बचेगा और ये रूट के ऊपर जाएगा, तो इट विल बी अंडर रूट KW इंटू KA by C. अब इसके बाद pH आप निकाल लोगे, आपकी जिम्मेदारी यहां से. भाई KW पता होता है हमको 10^-14, K एग्जाम में दिया होगा, C एग्जाम में दिया होगा, H प्लस निकाल लोगे यहां से, H प्लस निकला है तो pH. कई लोग इसका फॉर्मूला बनाते हैं माइनस लॉग 10 H प्लस इज इक्वल टू PKW, जरूरत नहीं है, जब सवाल आएगा तो बनाएंगे, अपने को कंसेप्ट पता है भाई. ओके लेट मी समराइज, हमने क्या किया, हमने बोला इसके वीक कॉम्पोनेंट को उठाओ, वॉटर से रिएक्ट कराओ, वीक कॉम्पोनेंट को उठाओ, वॉटर से रिएक्ट, H प्लस OH माइनस. हमने कहा ये एक इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KH बोलते हैं. क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को? KH. हमने बोला इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नहीं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है H. इसकी कंसेंट्रेशन C, तो ये भी C निकलेगा. हमने कहा बचा C माइनस CH, CH, CH. हमने KH की फॉर्मूला बनाया, CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH, H इज इक्वल टू रूट KH बाई C. ये तो अल्फा जैसा है, अल्फा इज इक्वल टू रूट KA बाई C जैसा, रिलेट कर पा रहे हो? H is equal to root KH by C. एक मिनट, आराम से. OH minus की concentration है CH, दिख रही है. OH minus चाहिए नहीं, H plus चाहिए, तो H plus into OH minus is KW. H plus की मिली KW by OH minus की concentration, which is CH. अब H निकालना था, ये रहा H under root KH by C. और KH की वैल्यू निकालते हैं, KH into weak वाले का K is equal to KW. So KH की जगह under root, देखो KH into weak वाले का K is equal to KW, तो KH हो गया KW by K, KW by K. तो एक बार आप इसको रिवाइज कर सकते हो, मैंने बिना कोई पेपर देखे, बिना कुछ सोचे समझे इसको डिराइव किया. हाँ बात सच है, मुझको याद हो गया, मैं मान रहा हूं, आई एक्सेप्ट दिस, मुझको याद हो गया, मैं मानता हूं. पर आप भी समझ सकते हो इसको, बहुत कंसेप्चुअल है, दो तीन बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा. चलो मैं समराइज करता हूं आपके लिए इसको, कि कैसे इसको वर्कआउट करना है. जल्दी से देखो इसको समराइज, अभी एक ही टॉपिक चल रहा है, दूसरा आसान है, आपको ही पता है ना, एक सीख जाओगे तो दूसरा वाला तो हलवा होने लगेगा, जस्ट अपोजिट करने लगेंगे. ओके तो ये था, इसमें से वीक कंपोनेंट उठाया HCOO माइनस, वाटर से रिएक्शन H2O, इट विल गिव, बोलो मेरे साथ, HCOOH प्लस H प्लस, कौन सा कंपोनेंट, सॉरी प्लस क्या बचेगा, OH माइनस, यहां से H प्लस गया, वीक कंपोनेंट उठाना था. इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KH, KH इज इक्वल टू क्या करोगे, ये CH, CH, C माइनस CH, तो KH क्या आएगा, CH स्क्वायर, जैसे C अल्फा स्क्वायर आता था, इतना समझ में आ रहा है, CH, CH, C माइनस CH वगैरह वगैरह. यहां से H की वैल्यू आएगी अंडर रूट KH बाई C, क्लियर. आपको OH माइनस नहीं चाहिए, H प्लस चाहिए, वो H प्लस का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको तो अलग रखो. आपको ये समझना है KH इंटू वीक कॉम्पोनेंट कौन है, एसिड, KA इज इक्वल टू KW, यहां से KH की वैल्यू KW बाई KA, क्लियर. लास्ट OH माइनस की कंसेंट्रेशन इस केस में कितनी दिख रही थी, CH, यहां से H प्लस की कंसेंट्रेशन मिल जाएगी, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW, यहां से H प्लस हो जाएगा KW अपॉन CH, H की वैल्यू ये और KH की वैल्यू ये, सब्स्टिट्यूट करने पे H प्लस की कंसंट्रेशन वो. आया H रूट KH बाई C आएगा हर बार, हर बार, हर बार, सिर्फ एक बार नहीं, हर बार, अदरवाइज KH इंटू वीक इज इक्वल टू KW हर बार, कभी OH माइनस कंसंट्रेशन मिलेगी, कभी H प्लस की, ये दो चीजें याद रखो, H ऐसे निकला और KH इंटू वीक KW के. चलो अभी बाद में मैं समराइज करूंगा, टेंशन मत लो. तो ये था अपना सेकंड पार्ट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कहानी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की कहानी. जल्दी से बोलो क्या हुआ मेरे साथ, H की वैल्यू अंडर रूट के एच बाई सी, के एच इंटू वीक कॉम्पोनेंट, वीक एसिड इज इक्वल्स टू KW, किसकी बात कर रहे हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की. एक वीक एसिड ले लो HCN, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लो KOH, ये भी तो हो सकता है, ये दे दे KCN,
ये सॉल्ट किससे बना है? स्ट्रॉन्ग बेस से, वीक एसिड से. इसके लिए के एच इज इक्वल टू ये. सो यहां से के एच की वैल्यू के डब्ल्यू बाई के ए, याद तो मैं करवाई दूंगा आपको तरीके से, वो भी ये एच की वैल्यू. फिर फाइनली एच प्लस ई कंसेंट्रेशन डिराइव कर लिया. अब याद करो अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के ए बटे सी, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के ए बटे सी. के एच इंटू वीक इज इक्वल टू के डब्ल्यू. एच इज अंडर रूट के एच बाई सी, जैसे अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए बाई सी. सिर्फ एच प्लस याद करना है, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के ए बाई सी. चलिए चलते हैं थर्ड टाइप के एसिड की तरफ, काफी हो गई इस पे बातें, अभी बाद में सब रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लो, सब याद करा दूंगा चार्ट बना के. मिटा रहे मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना. यहां भाई के फैन तो नहीं है सारे. थर्ड टाइप का एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड. थर्ड टाइप का सॉल्ट, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड. तो वीक बेस लेता हूं मैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूं HCl, मिलके एसिड बनेगा NH4Cl. NH4Cl वीक बेस से और स्ट्रॉन्ग एसिड से. आयंस क्या क्या मिलेंगे? NH4+Cl-. वाटर में आया NH4Cl+H2O. क्या क्या आयंस होंगे वाटर में? NH4+Cl-H+OH-. बताओ किसका हाइड्रोलिसिस होगा? क्या Cl-H+ से कंबाइन करना चाहिएगा? नहीं. Cl- अगर H+ से कंबाइन करेगा तो HCl बनेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो तुरंत डिसोसिएट कर जाएगा 99%. मतलब ये H+ से कंबाइन नहीं करेगा, यानी दिस विल शो नो हाइड्रोलिसिस. स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता. क्या ये हाइड्रोलिसिस शो करेगा? यस. NH4+OH- से कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा? NH4OH. कैसा बेस है? वीक बेस. क्या ये डिसोसिएट कर पाएगा? 5%. और 95% ये कंबाइन करेगा. मतलब NH4+OH- से कंबाइन करेगा, और सॉल्ट के आयन का H+ या OH से कंबाइन करना होता है हाइड्रोलिसिस. सो वीक कंपोनेंट हाइड्रोलिसिस शो करता है. इन दोनों में से कौन शो करेगा? वीक कंपोनेंट. क्लियर? मिटा रहे. इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस लिख पाओगे? इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस बताओ, आप ही से करवाएंगे सब. बताओ, सोचो, बताओ. NH4Cl में से कौन से कंपोनेंट का हाइड्रोलिसिस होगा? NH4+ का. किसके साथ? H2O के साथ. क्या करेगा NH4H2O में से? बोलो, क्या खींच लेगा? OH- खींच लेगा, NH4OH बनाएगा, जो कि वीक बेस है. और बचेगा क्या सॉल्यूशन में? H+. OH- खींच लिया, बचा क्या? H+. सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होना भी चाहिए. ऊपर देखो, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन, तो भैया एसिडिक ही होना चाहिए ना. वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिडिक ही तो होगा. यहां से भी दिख रहा है सॉल्यूशन में सिर्फ H+ के आयन है, क्योंकि Cl- H+ से कंबाइन नहीं किया, जबकि NH4+OH- से कंबाइन किया. क्लियर. चलिए अब इसका pH निकालने की हम कोशिश करें. और इसका pH कैसा आना चाहिए, सबको अंदाजा हो गया होगा. इसका pH लेस देन 7 आना चाहिए, यानी H+ आयन की कंसेंट्रेशन निकालनी है. चलिए इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस फिर से लिखेंगे. इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस फिर से लिखेंगे. NH4+H2O विल गिव, बोलो क्या पकड़ लेगा इसमें से? OH पकड़ लेगा. क्या बचा रह जाएगा? H+ बचा रह जाएगा. यहां से हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH, अब तो यार खेल हो गया ये. NH4OH थोड़ा साइड में करते हैं, यहां कोपचे में. KH इज इक्वल टू NH4OH, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनटू H+ अपॉन NH4+. क्या H2O लोगे इसमें? नहीं लोगे. KH इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. चाहो तो यही साइड में एक काम अभी कर लेते हैं. इसका कंसेंट्रेशन सी,
जितना ये होगा उतना NH4+ निकलेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है क्योंकि एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, ये स्टार्टिंग में 0 0 इक्विलिब्रियम पे आ जाए हो जाएगा C- CH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हमने बोल सॉरी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H ले लिया, तो इक्विलिब्रियम पे आते थे C में से कितने मोल चले गए CH, बता कितना C- CH, ये कितना बनेगा CH और CH, तो H+ ही कंसंट्रेशन CH है। यहां से KH का एक और फॉर्मूला बना सकते हो, KH इज इक्वल्स टू, यहां से देखो इसकी कंसंट्रेशन यानी CH, इसकी कंसंट्रेशन यानी CH अपॉन C- CH, C कॉमन होगा, KH इज इक्वल्स टू CH स्क्वायर, एक CC कैंसिल 1- H, तेज तो नहीं हो रहा, यहां से C कॉमन हुआ कैंसिल हुआ C, फिर हमने बोला H इज मच मच लेस देन 1, 1- H इज नियरली 1, तो ये करीब करीब 1 हो गया CH स्क्वायर, यहां से H की वैल्यू मिली अंडर रूट KH बाई C। अब याद है KH को वीक वाले से मल्टीप्लाई करने पे KW आएगा, चलो देखते हैं वीक कौन है इसमें से, ये तो इसके बेस की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी पूरी, यानी NH4OH को हम डिसोसिएट करेंगे NH4+ और OH-, वीक क्या था बेस, यानी इस बार आना ये चाहिए KH into KB is equals to KW, और वेरीफाई करते हैं, यहां से KB निकाल सकते हो इस बेस का, यही तो बेस है इसके अंदर, NH4+ into OH- upon NH4OH, जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, NH4OH NH4OH कैंसिल, NH4+ NH4+ कैंसिल, बचेगा क्या H+ into OH- which is KW, मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, सही 100% सही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा H+ into OH- which is KW, so KH is equals to KW by KB, पिछली बार क्या था KW by KA, इस बार KW by KB, खत्म क्वेश्चन, H+ का कंसंट्रेशन CH, what do you want to calculate pH भाई, so H+ का कंसंट्रेशन is CH, H की वैल्यू अंडर रूट KH by C, पिछली बार क्या हुआ था H+ का कंसंट्रेशन था ही नहीं मेरे पास, मेरे पास OH- का था, तो दिक्कत हो गई थी, KH by C, KH की वैल्यू KW by KB, C को अंदर डालेंगे तो बचेगा अंडर रूट, चलो अच्छा C, KH की जगह KW by KB into C, ये C अंदर आएगा बच्चों, तो ऊपर रूट C बचेगा, so अंडर रूट KW C by KB, that is the concentration of H+, मैं pH का फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, यहां तक कर दिया बहुत है यार इतना, H+ का कंसंट्रेशन देख लो, तुम देख लो, मैं बताता हूं, अंडर रूट देखो एसिड में याद करो मेरे साथ, चलो ध्यान दो, एसिड में याद करो था KW into KA by C, एसिड में KA ऊपर आता है C नीचे, बेस में मतलब जब KB लेना है, जब वीक बेस वाला कंपोनेंट है तब उल्टा कर दो, C ऊपर KB नीचे, फिर से अंदर वही आते हैं जो वीक कंपोनेंट, K वे तो वीक का ही दिख रहा है पिछले में भी इसमें भी, तो एसिड जब वीक था तो KW into KA by C लिखा था, जब एसिड वीक था, जब बेस वीक है तो इसको उल्टा कर दो KW into C बटे KB, और कुछ है ही नहीं इसमें यार, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है, ये हो गया दूसरे तरह का सॉल्ट, तीसरे तरह का वीक बेसिड और स्ट्रॉन्ग, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक कंपोनेंट उठाया हाइड्रोलिसिस किया, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हाइड्रोलिसिस, Cl- H+ से कंबाइन नहीं करेगा, NH4+ आया, H2O में से OH- उठाया, H+ बचा, मैंने कहा इसका कंसंट्रेशन सी तो इसका भी सी, 0 0 C- CH CH, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH NH4H ये KH की वैल्यू CH CH CH, यहां से ये, फिर मैंने बोला इसको जब वीक से मल्टीप्लाई करते हैं तो KW आता है, वीक मुझे पता था बेस है, मैंने बेस की डिसोसिएशन इक्वेशन लिखी, KB लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, चेक किया, सही था, फिर मैंने कहा मुझे pH चाहिए तो H+ का कंसंट्रेशन CH, H की वैल्यू अंडर रूट KH / C और KH की वैल्यू KW / KB, रखा
लक्ष्य। चलो इतनी बातें करने के बाद पहले हम इन्हीं को रिवाइज कर लेते हैं और आपको हम इन्हीं का न्यूमेरिकल भी करा देते हैं इतनी बातें करने के बाद, फिर लास्ट वाले का न्यूमेरिकल भी लेंगे। तो दो तरह की बात हुई हमसे, ध्यान से, दो तरह की बात हुई, एक वीक एसिड सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की, और एक बात हुई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। खेल सारा वीक वाला खेलता है, हाइड्रोलिसिस किसका होता है? वीक वाले का, वीक वाले का। लेट मी बी वेरी क्लियर, वीक वाले का। देखो हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच अंडर रूट के एच बाई सी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडर रूट के एच बाई सी, दोनों में सेम था, ध्यान देना एक्सप्रेशन पे। नेक्स्ट नेक्स्ट ले लेते हैं अपन, के एच इंटू वीक कौन है? बेस। के बी इज इक्वल्स टू के एच इंटू के बी इज इक्वल्स टू वीक कौन है? एसिड। के एच इंटू के ए इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू। यहां पे ओ एच माइनस किस में आता है? वीक एसिड। इसमें आती थी ओ एच माइनस की एच प्लस निकालते हैं। एनीवेज अभी पकड़ो, एच प्लस की कंसेंट्रेशन यहां के बी का टर्म है, अंडर रूट किसका टर्म है? केबी का कि के ए का? वीक कौन है? बेस, तो केबी। के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी, एच प्लस की कंसेंट्रेशन अंडर रूट के ए का टर्म है, के डब्ल्यू इंटू के ए बाई सी। के डब्ल्यू एग्जाम में हमको पता होता है 10^-14, सी कंसेंट्रेशन सॉल्ट की दिया होगा, के बी दिया होगा या के ए दिया होगा। और तीसरे तरह का सॉल्ट आप डिस्कस कर चुके हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जिसका नो हाइड्रोलिसिस, दोनों कॉम्पोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो नो हाइड्रोलिसिस। यहां तक बातें क्लियर हुई? 100% क्लियर हुई कि अभी कम है 100 से? एच की वैल्यू दोनों में रूट के एच बाई सी। के एच को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वीक वाले से, तो के डब्ल्यू आता है। एच प्लस के टर्म्स में भी वीक वाला ही इंपॉर्टेंट है, अगर वीक एसिड है तो के ऊपर आएगा, कंसेंट्रेशन नीचे। वीक बेस है तो, वीक बेस है तो के बी कहां पे आएगा? नीचे, और कंसेंट्रेशन ऊपर। ठीक है चले, पर ये सब हमेशा लगे जरूरी नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस में लग जाता है, जितने आ रहे हैं उस पे लग रहा है। अभी डाई एसिडिक बेस हो गया है ना, डाई बेसिक एसिड हो गया, तो कंसेप्ट चलेगा, फिर जितना अंदर चल रहा है ना कहानी वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर? इतना कुछ कुछ अब क्लियर होने लगा होगा। न्यूमेरिकल करा देते हैं आपको, न्यूमेरिकल से और क्लियर होता है। चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। अपन पे एक क्वेश्चन दिया है, प्यारा सा, सुंदर सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, फाइंड फाइंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस टी यू, हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट टी यू एंड पी एच ऑफ अ सॉल्ट एच सी ओ ओ के कंसेंट्रेशन 0.01 मोलर इफ के ए फॉर वीक एसिड एच सी ओ ओ एच इज 10^-4, इट इज 10^-4। चलिए अपने आप कैसा है ये एच सी ओ ओ के, वीक एसिड से बना है और के ओ एच स्ट्रॉन्ग बेस से, मतलब वीक वाला टर्म सारा काम करेगा। सबसे पहले डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो एच की वैल्यू अंडर रूट के एच बाई सी। प्रॉब्लम ये है के एच नहीं पता, के एच इंटू वीक कॉम्पोनेंट का के, वीक कौन है? एसिड। के ए इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू, यहां से के एच मिलने वाला है, के एच इज के डब्ल्यू बाई के ए। के डब्ल्यू बोलो कितना है? के डब्ल्यू होता है 10^-14, ये पता होगा आपको। के ए दिया है 10^-4, सो के एच कम्स आउट टू बी 10^-10। के एच मिल गया 10^-10। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडर रूट के एच 10^-10 अपॉन सी, सी मतलब कंसेंट्रेशन, इसको क्या लिख सकते हो? 10^-2, सो इट विल बी अंडर रूट 10^-8, सही है, प्लस 2 बाहर आके 10^-4, सो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज 10^-4। लास्ट इज पीएच, पीएच, तो पीएच की जगह क्या निकाल लो? एच प्लस का कंसेंट्रेशन अंडर रूट के डब्ल्यू तो होगा ही होगा। अब वीक कौन है? एसिड, तो के ए बराबर सी, अंडर रूट 10^-14
10^-4, 10^-2. तो ये 18 हो जाएगा, ऊपर आके 16 कर देगा इसको, ये 10^-16, बाहर आके 10^-8. तो H प्लस का कंसेंट्रेशन 10^-8, पीएच निकाल लोगे हलवा, पीएच विल भी बोलो माइनस लॉग 10 H प्लस की कंसेंट्रेशन, यानी माइनस लॉग 10 10^-8, माइनस माइनस बाहर आएगा कितना हो जाएगा प्लस 8, लॉग 10 टू द बेस 10 विल बी 1, सो पीएच इज 8. 8 मतलब कैसा सोल्यूशन है, बेसिक. क्या बेसिक होना चाहिए चेक करो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, करेक्ट. कॉन्फिडेंस आया अब, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया. यही तो मैं चाहता हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आए, आपको क्वेश्चन क्लियर हो, आपको समझ में आना चाहिए सवाल, ये नहीं कि सिर्फ हम भाग रहे हैं. ठीक है, करने का तरीका भी बताया, लास्ट में न्यूमेरिकल्स भी दिखाया. जैसे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल और आया मेरे पास, जेई 2009 का है, जेई 2009 हम लेके आए सवाल अपने साथ. द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ये वीक एसिड होता है तभी तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट दे रहा है, एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 10^-4, के दिया है एसिड का. फाइंड पीएच ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स सोडियम सॉल्ट, ऑफ इट्स सोडियम सॉल्ट. चलिए मैं चार ऑप्शन देता हूं, आप ट्राई करिए. ऑफ इट्स सोडियम सॉल्ट 8, 10, 11, 13. चलिए ट्राई करिए. एक सॉल्ट है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है ना, सोडियम सॉल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बेस. चलिए पॉज करके ट्राई करेंगे, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं. 1, 2, 3, 4, 5. चलिए मैं सॉल्व कर रहा. तो भाई साहब ये सोडियम का सॉल्ट होगा और बेंजोइक एसिड का कुछ होगा, मतलब C6H5 कोई सब्स्टिट्यूएंट मान लो, X सब्स्टिट्यूटेड बोला है, जो भी है यार फर्क नहीं पड़ेगा. स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है सोडियम और ये आ रहा वीक एसिड से, सोडियम सॉल्ट मतलब NaOH से आया. क्या पूछा है मुझसे, पीएच. यार खत्म सवाल, H प्लस अंडर रूट बोलो KW इंटू KA बटे C, सवाल तो खत्म है. KW 10^-14, KA 10^-4, कंसेंट्रेशन ये रही 10^-2. ये ऊपर जाएगा 10^-18, 10^-16, 10^-8. अरे यार अभी तो किया था यही, पीएच कितना आ जाएगा 8. ये जेई का सवाल था, लिटरली था भाई 2009 का. क्लियर हुआ, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया. सो बस पहचानना है कि किस फॉर्म का क्वेश्चन है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, किस फॉर्म का है. एक और लोगे, अब तो आप समझ ही गए हो क्या खेल चल रहा है सारा जिंदगी का. ये 2004 का एक और सवाल है, देख लो इसी कंसेप्ट पे एकदम, जेई 2004. चलो आईआईटी जेई, अभी एक तरह का सॉल्ट बचा है मुझे ही पता है, वीक एसिड वीक बेस कराना भी है. 2004 हमें बोला है हमारे पास एक सॉल्ट है NaX जिसकी कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर, ये बना है एक वीक एसिड HX से जिसका K हमको दे रखा है 10^-5. हमसे पूछा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, मजा आ रहा होगा अब, जब समझ में आ जाता है ना असली में हलवा लगने लगता है तब मजा आता है, अदरवाइज तो डर लगता है इस टॉपिक से. खुश हो, बहुत बढ़िया, अभी और समझ में आएगा. चलो टिक मारो, हलवा सवाल एक मिनट का, एक मिनट खत्म. पॉज करके करो ना यार. हाँ कर लिया, ओके मैं करने जा रहा. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इज इक्वल्स टू अंडर रूट KH/C. प्रॉब्लम क्या है, KH नहीं पता, क्या कंपोनेंट वीक है, वीक एसिड खुद ही बोल रहा है,
तो KH into KA is equals to KW, यहां से KH is equals to KW by KA, KW 10 की पावर माइनस 14, KA 10 की पावर माइनस 5, सो ये आ जाएगा प्लस 5, 10 की पावर माइनस 9, अंडर रूट 10 की पावर माइनस 9, कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, सही कर रहा हूं मैं कुछ गलत कर दिया, बोल भाई रे कुछ गलत तो नहीं किया रे, हाय हाय हाय, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8, यानी ये आएगा 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। अब देखो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस परसेंटेज में दिया है, और H क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल, एक मोल का कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट किया, मतलब ये जो भी वैल्यू है वो फ्रैक्शन वाली है, परसेंटेज वाइज नहीं है, ये बता रहा एक में से इतने मोल हाइड्रोलाइज्ड, एक में से इतने मोल हाइड्रोलाइज हुए हैं, ये आंसर परसेंटेज में, जैसे अल्फा फ्रैक्शन का होता था, अल्फा परसेंटेज का, जैसे एफिशिएंसी फ्रैक्शन की हो परसेंटेज की, तो परसेंटेज में चाहिए तो H इंटू 100 कर दो, परसेंटेज हाइड्रोलिसिस मिलेगा, ये तो फ्रैक्शन है कि एक में से कितने मोल, ये तो 100 में से परसेंटेज की तरह से पूछ रहा है, सो H इज 10 की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 10 की पावर माइनस 2 इज द आंसर, 10 की पावर माइनस 2 परसेंटेज, मतलब 0.01 परसेंटेज ऑप्शन है। कई लोग गलत कर दिए होंगे 10 की पावर माइनस 4 सोच के, ये वाला मार दिए होंगे, ऐसा नहीं करना बच्चों, H क्या है, एच क्या है, एच एक फ्रैक्शन है कि एक में से कितने मोल, और ये परसेंटेज, ये परसेंट, इसका परसेंटेज निकालो, ये एक में से इतना है, यानी 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 1 इंटू 100, ये होता है ना परसेंटेज किसी चीज का, कितने में से कितना मल्टीप्लाइड बाई 100, क्लियर। चलिए तो आपसे दो तरह के सॉल्ट की बातें होने के बाद, नमकीन नमकीन बातें होने के बाद, हम चलते हैं आखिरी टॉपिक, वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस, जल्दी से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बोलो, नो हाइड्रोलिसिस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोलिसिस होगा, बिल्कुल होगा, H अंडर रूट के एच बाई सी, एक बार झेल लो, के एच इंटू के ए इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू, बस एक बार और, और H प्लस की कंसेंट्रेशन अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के ए बाई सी, देखो कुछ होने वाला है, वीक बेस इंटू स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोलिसिस होगा, बिल्कुल होगा, H की वैल्यू अंडर रूट के एच बाई सी, के एच इंटू के बी इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू, क्या आपका हाथ भी चल रहा है, H प्लस की कंसेंट्रेशन अंडर रूट के डब्ल्यू, और बेस में के बी किधर आता है, नीचे, और सी ऊपर, उल्टा हो जाता है इसका, लास्ट वाला देखो फॉर्मूले में पहले ही बता दे रहा हूं, वीक एसिड वीक बेस, अभी सब डिराइव करने वाले हैं, देखो H इज इक्वल्स टू रूट के एच, इसमें C नहीं आएगा, के एच दोनों ही वीक हैं, तो इंटू के ए इंटू के बी इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू, भाई साहब दोनों ही वीक हैं, तो के ए भी के बी भी, H प्लस की कंसेंट्रेशन, ये भी वीक, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई तो मत करो, के डब्ल्यू तो रहेगा ही रहेगा, सी का टर्म नहीं रहेगा, के किधर रहता है ऊपर, के भी किधर रहता है नीचे, देखो वीक एसिड वीक बेस में सी का टर्म कहीं नहीं है, तो एच प्लस में सी का टर्म नहीं डालना था, बस ये याद रखना था, के किधर रहता है ऊपर, के भी किधर रहता है नीचे, है ना, और के के साथ सी किधर रहता है नीचे, बस ये याद कर लो, एक याद कर लो सब तैयार, के साथ सी नीचे, के बी में और उसमें सी गायब, एच के टर्म में भी सी नहीं होगा, यहां का याद रखो, एच के एच बाई सी वीक के डब्ल्यू, एच प्लस के डब्ल्यू के बाई सी, बेस में जाएंगे तो ये पूरा उल्टा, सी ऊपर के बी नीचे, फिर वहां गए सी का टर्म गायब, के डब्ल्यू इंटू के ए बाई के बी, चलो और करके दिखाते हैं इसको प्रूफ, ये अंधा कानून है, ये अदालत सबूत मांगती है सबूत, तारीख पे तारीख मिल रही है पर इंसाफ नहीं मिला, जज साहब चलो तो इंसाफ मिलेगा, लेट अस टेक अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस, तो एक वीक एसिड HCN बहुत ही वीक, और वीक बेस
NH4OH, निहायती वीक। इनका सोल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक, डिपेंड करेगा। अब दोनों ही कमजोर हैं, दोनों जंग लड़ेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमारा सोल्यूशन कैसा होगा। दोनों स्ट्रांग होते तो सोल्यूशन न्यूट्रल होता, दोनों स्ट्रांग होते तो सोल्यूशन न्यूट्रल होता, दोनों वीक है तो इट डिपेंड्स, अभी हमें पता नहीं। एनीवेज आइए सॉल्ट बनाते हैं, वीक एसिड वीक बेस का, NH4CN। हाइड्रोलिसिस किसका होगा? इसका भी होगा, इसका भी होगा। भाई CN माइनस H प्लस से कंबाइन करना चाहेगा, HCN बनाएगा वीक एसिड, वो वापस टूटकर नहीं आएगा, वीक है ना, वीक एसिड। NH4 प्लस OH माइनस से कंबाइन करना चाहेगा, फिर NH4OH भी वापस टूटना नहीं चाहेगा, मतलब ये OH माइनस से रिएक्ट करके NH4OH बना के वीक बेस बना के सुरक्षित, ये H प्लस से कंबाइन करके HCN बना के वीक बना के सुरक्षित, दोनों हाइड्रोलिसिस। तो ये भी हाइड्रोलिसिस करेगा, ये भी। मोस्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं ऐसे सॉल्ट जिनका दोनों कंपोनेंट वीक हो, मोस्ट हाइड्रोलिसिस। ये सवाल पूछ लिया विच विल शो मोस्ट हाइड्रोलिसिस, विच विल शो मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस, मान लो ऐसा सवाल आ गया, चार ऑप्शन आपको दे रहा है, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है मान लो एन ए सी एन, दूसरा ऑप्शन है मान लो सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए, तीसरा ऑप्शन है मान लो मेरे पास एन ए सी एल, चौथा ऑप्शन है मेरे पास मान लो एन एच फोर सी एन। बताओ मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस, इसमें एक कॉम्पोनेंट वीक है शो करेगा, इसमें ये कॉम्पोनेंट वीक एसिड शो करेगा, इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग शो नहीं करेगा, इसमें ये भी वीक ये भी वीक, मैक्सिमम शो करेगा। जिसमें जितना ज्यादा वीक कंपोनेंट हो, इसमें देखो वीक कौन है, HCN शो करेगा, वीक कौन है CH3COH ऑर्गेनिक एसिड वीक, इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं शो करेगा, इसमें ये भी वीक शो करेगा। तो जहां दिख जाए कि दोनों कॉम्पोनेंट वीक से आ रहे वहां मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन में सीधा लिख रहा हूं, इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस। मुझे लगता है आप लोग भी बड़े हो गए हो, हाँ सर हम बड़े हो गए 50 मिनट के लेक्चर में। शो सो NH4 प्लस और CN माइनस दोनों के आयंस आए, किससे कंबाइन किए, H2O से, अपने अपने हिसाब से आयंस उठा लो। NH4 प्लस OH माइनस ले लेगा NH4OH, CN माइनस H प्लस ले लेगा HCN। ये होगा इसका इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस, NH4OH एंड HCN। इसकी कंसेंट्रेशन यदि C हुई, अब ये टूट के CC बनेगा कि CC नहीं बनेगा, ये एक डाउटफुल चीज होता है, पर किताबों में इसको हम CC मान के सवाल को सॉल्व कर देते हैं, जबकि मेरा कहना है ये C से पूरा पूरा NH4 प्लस और CN माइनस में ब्रेक नहीं करेगा, ये एक्सेप्शन होता है, किताबों में इसको मान लेते हैं कि ये पूरी तरह से अपने आयंस में टूट गया है क्योंकि एक सॉल्ट है, अदरवाइज ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। खैर फिर हम इक्विलिब्रियम पे जाएंगे, ये होगा सी माइनस सी एच, ये होगा सी माइनस सी एच, ये बनेगा सी एच, ये बनेगा सी एच, इसको तो छोड़ दो। KH के बारे में बात करें तो KH इसका होगा NH4OH मल्टीप्लाइड बाई HCN डिवाइड बाई NH4 प्लस मल्टीप्लाइड बाई CN माइनस। आपको पता है इस बार KH को दो चीजों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, KH इंटू वीक KA इंटू वीक KB इज इक्वल्स टू KW। चेक करना है, अभी चेक करा देते हैं, और पहले इसकी इक्वेशन लिखो KH की। KH is equals to ऊपर प्रोडक्ट्स यानी CH into CH, नीचे रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स भी दो हैं C minus CH into C minus CH, दो रिएक्टेंट है। इस बार मेरे ख्याल से C कैंसिल नहीं हो पाएगा, C minus CH, C minus CH, और होना भी नहीं चाहिए। KH is equals to C square H square, और नीचे भी हो जाएगा C square 1 minus H का होल square, मतलब होना चाहिए, सही लिखा है, यहां से C कॉमन, यहां से C कॉमन, C स्क्वायर 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, C स्क्वायर कैंसिल, सिंस H इज मच 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 लेस देन 1, 1 माइनस H इज नियरली 1, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, H स्क्वायर। यहां से H की वैल्यू रूट के एच, यही मैंने लिखा था, अदरवाइज H की वैल्यू आती थी अंडर रूट के एच बाई सी, इस बार H की वैल्यू रूट के एच। जब दोनों वीक होंगे ना तो C कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, अंडर रूट के एच, H की वैल्यू अंडर रूट KH, सही है। अच्छा अब बात आई कि pH कैसे निकाले इसका, ओए होए 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 होए, अच्छा ये प्रूफ चाहिए, चलो ये प्रूफ देख लो जल्दी से। NH4OH का डिसोसिएशन देखो, ट्रम ट्रम टरुरु, NH4 plus OH minus, यहां से KB की वैल्यू हो जाएगी NH4 plus into OH minus upon NH4OH,
मुझे पता है आपको बेसब्री हो रही है, H प्लस कैसे निकलेगा, फिर भी देख लो। HCN भी वीक है, उसको भी तोड़ के देखते हैं, H प्लस और CN माइनस। यहां से K एक इक्वेशन बनेगी, एच प्लस मल्टीप्लाइड बाई सी एन माइनस डिवाइडेड बाई एच सी एन। चलो सही लिखा है, K की वैल्यू कितना गंदा हो गया रे। सर हर लेक्चर के अंत में आप गंदा लिखते हो। चलो क्या फर्क पड़ता है, अंत तक कौन देखता है, जो देख रहा है कमेंट करो मैं देख रहा। चलो सो मल्टीप्लाई करके देखो, के एच इंटू के बी इंटू के, मल्टीप्लाई करो सबको, एन एच फोर ओ एच एन एच फोर एच से कैंसिल, एच सी एन से कैंसिल, एन एच फोर प्लस एन एच फोर प्लस से कैंसिल, सी एन माइनस से कैंसिल, यहां सब कैंसिल हो गए, यहां बचा ओ एच माइनस, यहां बचा एच प्लस, सी एन माइनस तो सी एन माइनस से कैंसिल हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच रहा है यहां सब कैंसिल, यहां सब कैंसिल, ओ एच माइनस यहां एच प्लस, तो एच प्लस इंटू ओ एच माइनस इज के डब्ल्यू। तो चेक कर लो के एच इंटू के इंटू के भी यही आएगा, ठीक है। चलो मैंने वेरीफाई कराया, अब बात आती है कि पीएच कैसे निकाले सर इसका। यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका पीएच कैसे निकाले, ना एच प्लस दिख रहा ना ओ एच माइनस। चलो एच सी एन को उठाते हैं, एच सी एन इज अ वीक एसिड, इट विल डिसोसिएट लाइक एच प्लस एंड सी एन माइनस, ट्रू ट्रू ओके। इस रिएक्शन का के लिखो, के होगा एच प्लस इंटू सी एन माइनस अपॉन एच सी एन, ट्रू ट्रू। यहां से एच प्लस की कंसेंट्रेशन बताओ, के ए इंटू एच सी एन, मैंने इसको उठाकर डिसोसिएट कर डाला, अपॉन सी एन माइनस, ट्रू ट्रू। एच सी एन की कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी है, सी एच। सी एन माइनस की कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी है, सी माइनस सी एच। तरीका है, एच सी एन की कितनी थी, सी एच। मुझे एच प्लस ओ एच माइनस नहीं दिखे तो मैंने एसिड को उठाकर डिसोसिएट किया, के की इक्वेशन लिखी, एच प्लस की कंसेंट्रेशन। अब एच सी एन सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम पे कितना है, सी एच। सी एन माइनस कितना है, सी माइनस सी एच। यहां से सी सी कॉमन होगा, सी सी कैंसिल होगा, नीचे वन माइनस एच विल बी वन, सो बचेगा एच प्लस इज इक्वल टू, बोलो मेरे साथ, सी कॉमन होगा, सी सी कैंसिल, नीचे वन माइनस एच इज वन, तो बचेगा के ए इंटू एच। यस और नो, डू यू अग्री और नॉट। यहां से सी कॉमन, सी से सी कैंसिल, वन माइनस एच इज वन, तो के इंटू एच। एच की वैल्यू रूट के एच बाई सी, के ए इंटू रूट के एच बाई सी। के एच की वैल्यू क्या है, के एच की वैल्यू क्या है, के एच की वैल्यू क्या है, के एच की वैल्यू यहां से मिलेगी, के एच इज इक्वल टू, अच्छा सी तो कैंसिल हो गया ना, सी सी, और एच की वैल्यू रूट के एच है, वही तो मैं सोचा था कहां से सी आ गया। हाँ, इस बार एच की वैल्यू क्या होगी, यहां तक आओ, एच प्लस इज इक्वल टू सी सी कैंसिल, वन माइनस एच इज वन, के इंटू एच, और एच इस बार क्या होगा, रूट के एच, सी का टर्म नहीं है, सो के ए इंटू रूट के एच। कैसे हुआ था ये देख लो पूरा, इसके टर्म में भी सी कैंसिल हो गया था, के एच के टर्म में। के एच की वैल्यू क्या होगी, देखो के डब्ल्यू बटे के ए इंटू के बी, सो के ए इंटू रूट के डब्ल्यू बटे के ए इंटू के बी, क्या बचेगा, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के ए बाई के बी, यही तो मैं बोल रहा था, एच प्लस दोनों को मिला दो, के हमेशा ऊपर आता है, के बी हमेशा नीचे, और जब दोनों वीक होंगे तो सी का टर्म दिखाई नहीं पड़ेगा। मजा आया रे, क्या बात है सर, डेरिवेशन समझ में आई, आसान थी, के एच को दोनों वीक से मल्टीप्लाई करके के डब्ल्यू के बराबर दिखाया, दोनों आयंस का इस बार, दोनों आयंस का इस बार हाइड्रोलिसिस हुआ। अच्छा देखो, सी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि फाइनली एच प्लस इंडिपेंडेंट ऑफ सी है, एच बी इंडिपेंडेंट ऑफ सी है, के एच का जब इक्वेशन बनाया तो सी एच ये के एच एच स्क्वायर के इक्वल, यहां सी का टर्म नहीं आता, हर बार एच क्या आ रहा था, रूट के एच बाई सी, इस बार सिर्फ रूट के एच, के एच। एच प्लस कैसे निकाला, वीक एसिड को उठा के डिसोसिएट कर दिया, के एक इक्वेशन लिखी, एच प्लस की कंसेंट्रेशन, एच सी एन कंसेंट्रेशन यहां से उठाई, सी एन माइनस कंसेंट्रेशन यहां से उठाई, रखा एच प्लस, फिर के एच, क्लियर। सो हियर वी कंप्लीट द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सॉल्ट, और ये बहुत ही बेसिक लेक्चर था, अभी इसका बहुत नहीं कि बहुत अच्छे लेवल का सवाल था, पर जेई में जितने आ रहे हैं वो यहां से सॉल्व हो जा रहे हैं, है ना, इससे भी अच्छे सवाल बना सकते थे। जैसे मान लो हमारे पास जेई 2017 मेंस में सवाल आया, जेई 2000 मेंस 17 मेंस, जेई 2017 मेंस, फॉर्मूले अब तक याद हो गए आपको कि नहीं, चलो मुझे एच प्लस के फॉर्मूले बताओ सबके, एच के और एच प्लस के पहले बताओ, तब सॉल्व कराऊं। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का,
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का और वीक एसिड वीक बेस का, और बचा क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते। इसकी बात करें एच रूट के एच बाई सी, इसकी बात करें एच रूट के एच बाई सी, इसकी बात करें एच रूट के एच, यहां तक सब मेरे साथ हैं, बहुत बढ़िया। के एच इंटू वीक कौन है, के ए इज इक्वल टू के डब्ल्यू, के एच इंटू वीक कौन है, के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, के एच इंटू वीक कौन है, दोनों के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। एच प्लस की बात करें अंडर रूट के डब्ल्यू, के कहां रहता है ऊपर डिवाइड बाई सी, एच प्लस की बात करें अंडर रूट के डब्ल्यू और इसको पलट दो ऊपर सी नीचे के बी, और यहां एच प्लस की बात करें तो दोनों का कॉम्बिनेशन अंडर रूट के डब्ल्यू के ऊपर के बी नीचे और सी का टर्म नहीं होगा। याद हो गया सबको इतना, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर इस वीडियो को हम बंद करते हैं। लेट अस गो टू द लास्ट क्वेश्चन जेई 2017 मेंस का। हमें बोला कि हमारे पास एक सॉल्ट है जो कि एक वीक एसिड एच ए से और एक वीक बेस बी ओ एच से बना है, ठीक है, ए बी सॉल्ट होगा, हमारे पास एक सॉल्ट है ए बी जो कि वीक एसिड और वीक बेस से बना है। इसका पी के ए हमें दे रहा है 3.2, इसका पी के बी हमें दे रहा है, इस बार ये क्या कर रहा देखते हैं, 3.4। हमसे पूछा व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस सॉल्ट, और चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं ए बी सी डी, 7.2, 6.9, 7.0 एंड 1.0। तो पॉज करके ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। पीके नथिंग माइनस लॉग 10 के, पीके बी इज नथिंग माइनस लॉग 10 के बी, पीके पीके भी जानते हैं ना, माइनस लॉग 10 के माइनस लॉग 10 के बी को बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कैसा है, वीक एसिड वीक बेस से बना है, तो इसका एच प्लस क्या होगा पहले तो बोल दो, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के ए बटे के बी, तो अंडर रूट, अच्छा अब रुक जाओ, ना के ए दिया है ना के बी दिया, अब रुक जाओ सिर्फ के डब्ल्यू पता है, अब रुक जाओ, माइनस लॉग 10 एच प्लस, इस तरफ भी लेते हैं माइनस लॉग 10 के डब्ल्यू के ए बटे के बी की पार हाफ, दोनों तरफ माइनस लॉग 10 लिया, माइनस लॉग 10 एच प्लस इज पी एच। अब देखो ये क्या होगा, हाफ बाहर आ जाएगा पावर में है, अंदर माइनस लॉग 10 के डब्ल्यू माइनस लॉग 10 के ए, और ये माइनस माइनस प्लस लॉग 10 के बी, बोलो समझ में आया, लॉग ए अपॉन बी तो लॉग ए, ये लॉग ए इंटू बी है तो लॉग ए प्लस लॉग बी, और ये माइनस लॉग बी, माइनस लगा था प्लस, माइनस क्यों लिया क्योंकि हमको पता है माइनस लॉग, इतना आपको पता होगा यार क्या बता रहा हूं, पीके क्या होता है माइनस लॉग 10 के, तो हमको ये टर्म चाहिए थे। खैर पीएच इज इक्वल टू हाफ, ये क्या है माइनस लॉग 10 के डब्ल्यू पी के, अरे इसको तो निकाल लो, के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 14, तो माइनस 14 बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस 14, के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर माइनस 14, बाहर आया माइनस माइनस प्लस 14, माइनस लॉग के ए मतलब पी के ए प्लस लॉग के बी, इसको लिखेंगे हम माइनस लॉग के ए, इसको आप लिखोगे प्लस पी के ए, आर यू गेटिंग इट, यही चीज मैं अवॉइड कर रहा था, पर देखो आ गई सामने तो करना पड़ेगा, ये अपने आप कर सकते हैं, माइनस लॉग 10 एच प्लस माइनस लॉग 10 ऑफ दिस टर्म, हाफ बाहर आया माइनस लॉग 10 के डब्ल्यू माइनस लॉग 10 के ए प्लस लॉग 10, ये देखो माइनस लगाते ही प्लस हो गया। अब माइनस लॉग 10 के ए क्या होता है पी के, और प्लस लॉग 10 के बी की जगह हम लिखते हैं इसको माइनस पी के बी, बोलो सही है, अरे समझ रहे हो, यहां पे मैं माइनस लगा के अंदर एक माइनस इंड्यूस कर दूंगा तो पी के बी बन गया। अच्छा सो हाफ इंटू 14, पी के ए कितना दिया है 3.2, पी के बी 3.4, तो ये बचेगा माइनस 0.2, सो हाफ इंटू 14 माइनस 0.2, 3.2 माइनस 3.4, सो इट विल बी व्हाट, हाफ इंटू 14 माइनस 0.2 13.8, 2 6s are 12, 18, 2 9s are 18, 6.9, ऑप्शन एसिडिक, फाइनली इट प्रूव्स टू बी एसिडिक। पीके पीके भी दे दिया तो डरो नहीं, एच प्लस का एक्सप्रेशन लिखो,
दोनों तरफ माइनस लॉग 10 लगाओ फिर बढ़ो, इसको हाफ को बाहर लाया माइनस लॉग 10 के डब्ल्यू माइनस लॉग 10 के और ये फिर माइनस लगता नीचे लॉग ए बाई बी माइनस लॉग बी होता है ना, तो ये प्लस बन गया था, फिर मैंने माइनस माइनस लगा दिया माइनस लॉग के पी के माइनस लॉग के बी पी के बी। तो ये था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का एक कंप्लीट लेक्चर जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी, सब समझाया भी और रटवाया भी और जेई के प्रीवियस ईयर के सवाल भी कराए। तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।